आज पूरे देश में वैशाखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विदिशा की स्वर्णकार कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में भी सिख समुदाय के साथ साथ विभिन्न अन्य समाजों के सदस्यों ने पहुंचकर विशेष अरदास की। शब्द कीर्तन के साथ अखंड पाठ साहिब का आयोजन भी किया गया। इस दौरान कांग्रेस के विदिशा लोकसभा प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा भी गुरुद्वारे पहुंचे, माथा टेक कर सबसे मुलाकात की। अरे ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद है। पूरा देश एकजुट, श्रद्धा भक्ति, एकता घटना के लिए उनका समर्पण, सबका ज्ञान, सबका ध्यान। याद आ गया? आ गए बिल्कुल, याद नहीं थी। देखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज वैसाखी का महान पर्व है और वैसाखी संग्रांत जो पावन दिन को मुख रख के गुरु साहब ने ये हमको दिन दिया है। और आज के दिन हमारे आदरणीय प्रताप भानु जी शर्मा जो गुरुद्वार पे आए, जिन्होंने हाजिरी भरी, गुरु सहाय हुए और उनको फतेह दी। जो आज देखिए, आज ये महान पर्व का वैसाखी का दिन है और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से, खासतौर से हमारे पंजाब में तो ये बड़े ही हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जाता है। हम सब भी मिलकर, ये राष्ट्रीय त्यौहार है, हम सब की एकता और सद्भावना का त्यौहार है और इसी में ही नए अनाज का भी आवक होता है और उसी श्रद्धा भाव से सभी मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, ये हम कहते हुए ही अपना शुभकामनाएं सभी सिख समुदाय को, हिंदू समाज के सभी वरिष्ठ लोगों को और अपने विदिशा रायसेन लोकसभा क्षेत्र के सभी समाज, सभी बिरादरी के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि गुरु जी का जो संदेश है, जिसमें राम और कृष्ण जी की भक्ति भी है, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी है, देश के लिए समर्पित भाव से काम करने का आह्वान भी है, वो उसका अनुसरण करें।